बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड देखेंगे। जैसे कि आपको पता है कि नोमेनक्लेचर के अंदर दो सिस्टम होते हैं, एक कॉमन सिस्टम होता है और एक आयोपिक सिस्टम होता है। ठीक है जी, तो हम दोनों को वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहले हम कॉमन सिस्टम देखते हैं। तो याद रखें कि कॉमन सिस्टम में हम एल्डिहाइड का नाम जो देते हैं वो कॉमन नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से देते हैं। मीन जब भी हम एल्डिहाइड को नेमिंग देना चाहेंगे तो उसके बैक में हम जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उसकी बुनियाद पे उसको हम नेम देंगे। तो जो कार्बोक्सिलिक का एक होता है इसको हम रिप्लेस कर देते हैं। अगर हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन सेम हो एसिड में भी और एल्डिहाइड में, तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड का एक होता है उसको हम चेंज कर देते हैं एल्डिहाइड से। याद रखें एल्डिहाइड से उसको हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। जैसे अब इसको हम डिटेल में इसके मैं एग्जांपल्स आपको बताता हूँ। जैसे ये हमारे पास फार्मिक एसिड था, तो इससे हमने अगर ये OH की जगह पे H लगा दिया है तो यहाँ पे आप देखें ये फार्मिक एक आ रहा है तो इसको हमने फॉर्मल्डिहाइड बोल दिया है। मतलब फार्म एक ख़त्म, एक और एसिड जो है वो ख़त्म कर दिया हमने, एक और एसिड को ख़त्म कर देना है, उसके सामने एल्डिहाइड लिख देना है। ठीक है जी, तो कॉमन नेम देते हुए हमने कॉमन नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को देखना है और इसके अंदर एक और एसिड को ख़त्म करके उसकी जगह पे एल्डिहाइड लिख देना है। तो ये हमारे पास जैसे फार्मिक एसिड था, तो जब इसका OH को हमने H से रिप्लेस किया तो फॉर्मल्डिहाइड हो गया। इसी तरह ये दूसरे एग्जांपल देखें, ये एसिटिक एसिड है, इसमें OH है तो यहाँ पर H आने की वजह से हम एसिटल्डिहाइड बोल देते हैं। ठीक है, इसी तरह आपके पास क्या है, तीन कार्बनें आ गई हैं तो इसको हमारे पास क्या हो गया, प्रोपानोइक एसिड है तो इसे हम प्रोपानल्डिहाइड बोल देते हैं। इस तरह ये ब्यूटेरिक एसिड है तो चार कार्बनें आ गई हैं तो उसके इसको हम क्या ब्यूटारल्डिहाइड बोल देते हैं। ठीक है जी, तो मीन्स कॉमन नेम देते हुए हमने इस बात का ख्याल रखना होता है कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड को एक और एसिड को एल्डिहाइड से रिप्लेस कर देते हैं। और इसके अंदर अगर कोई और ग्रुप मौजूद हो, अदर ग्रुप मौजूद हों, तो उनकी पोजिशन को हम रिप्रजेंट करते हैं विद अल्फ़ा, बीटा और गैमा। ये ग्रीक वर्ड है, इसके साथ पोजीशन को मेंशन करते हैं। तो अल्फ़ा की यहाँ पे क्या पहचान होगी, कार्बनल कार्बन के साथ वाले जो कार्बन होगी उसको अल्फ़ा बोलेंगे, अल्फ़ा कार्बन के साथ वाले को हम बीटा और बीटा के साथ वाले को हम गैमा बोलेंगे। तो इस तरह दूसरे किसी कॉमन मीन्स कोई ग्रुप आ जाता तो कॉमन नेम में हम उसको अल्फ़ा बीटा गैमा की बुनियाद पर उसके नेम को मैंशन करेंगे। आयोपिक सिस्टम की अगर बात करेंगे तो याद रखें कि हम क्या करेंगे, लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन को क्या करेंगे सिलेक्ट करेंगे, जिसके अंदर इसके अंदर जो है फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड यानी कार्बनल कार्बन मौजूद होगा उसको हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसका नंबरिंग कहाँ से शुरू करनी है, लोएस्ट नंबर मिले, लोएस्ट पॉसिबल नंबर टू द कार्बनल कार्बन। तो इस एल्डिहाइड के केस के अंदर ये होता है कि एक साइड पर हाइड्रोजन होती है और दूसरी साइड पर आपके पास जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की चेंज होती है, मीन्स जो भी कुछ ग्रुप होते हैं अल्काइल ग्रुप होते हैं उनकी चेंज होती है। तो इसके अंदर नंबरिंग हमेशा कार्बनल कार्बन से ही स्टार्ट होगी। ठीक है, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द कार्बनल कार्बन और इसको हम नंबर वन प्रोवाइड करेंगे। मीन हम क्या कर लेते हैं कि लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद हम नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग हमेशा वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे कार्बनल कार्बन मौजूद होती है। तो एल्डिहाइड के केस में हमेशा कार्बनल कार्बन को नंबर वन मिलता है, तो इस तरह इसको क्या हो जाता है, नंबरिंग देने के बाद हम नेम देते हैं। तो अगर कोई और सब्सिट्यूएंट उसके अंदर मौजूद होता है तो उसकी पोजिशन मैंशन कर देते हैं। ठीक है, अदर सब्सिट्यूएंट पोजीशन मेंशन, ठीक है, ऊंच के हम क्या कर देते हैं, पोजीशन को मेंशन कर देते हैं। आइए देखते हैं इसकी चांद एक एग्जांपल्स। ठीक है,
जब हम नेम देते हैं तो हमेशा अल्केन की जो आपका अल्काइल ग्रुप होता है उसके अंदर अल्केन होती है ना, अल्केन की ई को रिप्लेस कर दिया जाता है ए एल से। तो जब हम नेम देते हैं तो उस वक्त अल्केन की ई को हम किससे तब्दील कर देंगे, ए एल से। तो आए चांदे के एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये आप देखो हमारे पास क्या है, ये एच सी डबल बॉन्ड ओ एच है, ठीक है। तो इसको हम नेम कैसे देंगे, ये फॉर्मेल्डिहाइड है तो इसको आयोपिक नेम हम कैसे देंगे, मेथानल, क्योंकि ये एक कार्बन है इसके अंदर, तो ये मीथेन अगर हम बोलें तो इसकी ई को हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे ए एल से। तो आपके पास इसका नेम क्या बन जाएगा, ठीक है जी, ये इसका नेम हो जाएगा। इसी तरह और अगर हमारे पास ये आ गया सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एच, तो ये आपके पास आता है ना, दो कार्बन हैं तो इसे हम अल्केन की सूरत में हम क्या बोलते हैं, इथेन बोलते हैं। तो इथेन का अगर हम ई ख़त्म करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एथानल, ठीक है जी। मीन्स जब भी हम आयोपिक नेम देंगे उसके अंदर हमने इस बात का ख्याल रखना है कि जो आपके पास पीछे उस कार्बन चेन है उसको हमने अल्केन मेंशन करना है और उस अल्केन के ई को ख़त्म करके हमने उसके आगे ए एल का इजाफा कर देना है। अब इस सिंपल सूरत हाल में ये अगर इसके ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट आएगा तो पहले सब्स्टिट्यूएंट का नेम आएगा, उसके बाद आप क्या करेंगे बाकियों के नेम लिखेंगे। जैसे बिल्कुल मैं अगर इसको यूँ करके लिखता हूँ कि ये आपके पास क्या है, सी एच थ्री है, ये आपके पास सी एच, इसके ऊपर मैं कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा देता हूँ बिल्फर्ज, ये मिथाइल लगा दिया मैंने, इसके बाद ये मेरे पास सी डबल बॉन्ड ओ एच आ गया। अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, तीन कार्बन है, ये सीधी हैं और एक सब्स्टिट्यूएंट, इसके नंबर लगाते हैं 1, 2, 3। तो दूसरे नंबर पर आपके पास सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है तो ये आप क्या करेंगे, 2-methyl, उसके बाद ये तीन कार्बन है तो हम क्या लिख देंगे, 2-methylpropanol, ये इसका आयोपिक सिस्टम नेम है, ठीक है जी। तो इस तरह इनको नेम दिए जाते हैं। और इसके अंदर एल्डी अगर हम बेंजीन को मेंशन करें, मीन एल्डिहाइड को बेंजीन के फॉर्म में अगर हम नेम देना चाहें कॉमन नेम, तो मोस्टली उसके अंदर जो है आयोपिक सिस्टम नहीं फॉलो किया जाता। उसकी वजह ये है कि इसको जो है हमारे पास एल्डिहाइड जो है इसको स्पेशल नेम दिया जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड बोलते हैं। तो जब भी कोई ग्रुप लग जाएगा तो उस ग्रुप की पोजीशन लगा के आगे बेंजल्डिहाइड लिखा जाएगा। तो मीन्स इसके स्पेशल नेम दिए जाते हैं, आयोपिक में इसको ज़्यादा काउंट नहीं किया जाता।